सुपर फास्ट रिकवरी करके एसीएल रिकंस्ट्रक्शन कैसे किया जाए, कैसे एसीएल रिकंस्ट्रक्शन करवाया जाए कि आप अपने जो भी जॉब है उसमें जल्दी जा सकें, अगर आप खिलाड़ी हैं तो अपने खेल में जल्दी जा सकें, अगर आपकी कोई फिजिकल टेस्ट है, आर्मी या पुलिस की कोई भर्ती है उसमें आपको फिजिकल टेस्ट पास करना है, तो क्या करें कि वो जल्दी जल्दी रिकवरी करके आप फिजिकल टेस्ट में भी सम्मिलित हो सकें। तो आज का जो हमारा वीडियो है ना वो उसी के बारे में है कि कैसे तेजी से रिकवरी की जाए अपनी एचएल सर्जरी करवा के, और कौन सी टेक्निक से करवाने से रिकवरी फास्ट होगी, और उसके पहले और उसके बाद में क्या करना होगा जिससे कि आप जल्दी से नॉर्मल हो सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव, मैं एक आर्थ्रोस्कोपी और स्पोर्ट्स इंजरी सर्जन हूं और स्कोपी क्लिनिक वाराणसी में प्रैक्टिस करता हूं और यहां का डायरेक्टर हूं। तो हमारा जो पिछला वीडियो था बायोलॉजिकल एसीएल रिकंस्ट्रक्शन का, उससे बहुत से ऐसे लोगों ने कमेंट में पूछा कि सर हमारे 3 महीने बाद या 5 महीने बाद हमारी पुलिस की वो हमारी भर्ती है, उसमें हमसे फिजिकल करवाया जाएगा या आर्मी का फिजिकल, उसमें हमको भाग लेना है, तो क्या करूं कि मैं उसमें भाग ले पाऊं, क्योंकि मेरा एसीएल टियर हो गया है जो कि एमआरआई में प्रूवन है और मुझे चलने में लड़खड़ाहट होने लग गई है। तो आज का वीडियो ऐसे लोगों के लिए ही है जिनका कोई कॉम्पिटिशन आने वाला है स्पोर्ट्स में, या फिर कोई फिजिकल आने वाला है, या फिर छुट्टियाँ बहुत कम मिलती हैं जिससे कि आपको जल्दी से रिकवरी करना है। तो देखिए, ये जो पूरा प्रोसेस है ना आपका फास्ट रिकवरी का, इसको हम 3 स्टेज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला स्टेज है जो कि आपको सर्जरी के पहले करना है, जिसको प्रीहैब कहते हैं, जो कि आपकी प्रिपरेशन है कि आप सर्जरी के पहले क्या करें कि आपकी रिकवरी फास्ट हो। दूसरा जो आपका स्टेज है वो है कि सर्जरी कैसे होनी है, सर्जन कौन सा चूज करें, टेक्निक कौन सी यूज करें, इम्प्लांट कौन सा यूज करें जिससे कि आपकी रिकवरी फास्ट हो। तीसरा है कि रिहैब कैसे करें, आप ब्रेस पहने कि नहीं पहने, रिहैब कैसा रहेगा आपका, किस तरीके से रिहैब एक्सरसाइज करने से आपकी रिकवरी फास्ट होगी। तो ये 3 चीजों को हम लोग बताएंगे आज। पहला हो गया प्रीहैब। तो दोस्तों, प्रीहैब के बारे में आपको बताने से पहले मैं आपको ये बोलूंगा कि हमारा एक पूरा पूरा वीडियो भी प्रीहैब पे है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको जरूर देखिएगा कि फास्ट रिकवरी के लिए क्या एक्सरसाइज करना है, पर उसके बारे में काफी कुछ हम आपको आज भी बताएंगे। प्रीहैब होता क्या है? प्रीहैब होता है कि आपके ऑपरेशन से पहले जो आप अपने घुटने को तैयार करते हैं वो होता है प्रीहैब। वो घुटने की एक्सरसाइजेस, जो आपकी टेंडन निकलने वाली है उसकी स्ट्रेंथ अच्छी रहे, आपका घुटना पूरे तरीके से मुड़ा रहे, जंगे की मोटाई अच्छी रहे, ये सब आपको पहले से एक्सरसाइज करके बना के रखना है। तो उस वीडियो में अगर आप डिटेल में देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आपको एक्सरसाइज क्या क्या करनी है जिससे कि आपके जंगा जो आपका है ना, जो आपका नी है, वो पूरी तरीके से सर्जरी के लिए तैयार हो जाएगा। सेकेंड फिर ये भी आता है इसमें कि मेंटली प्रिपेयर होना। आपको पहले से ही ये पता होना चाहिए कि आपका ऑपरेशन क्या होगा, उसमें क्या इम्प्लांट पड़ेगा, कितना बड़ा चीरा लगेगा, कितना उसमें दर्द होगा, कितना स्टे करना होगा, कब आपको मोड़ना है, कब आपको चलना है, कब आपको दौड़ना है, कब आपको और भी अग्रेसिव एक्टिविटीज करनी है। इसके लिए आपको उन लोगों से मिलना होगा, या उन लोग के टेस्टिमोनियल्स देखने होंगे, या फिर ऐसे लोगों के वीडियोस देखने होंगे, तो जो हमारे चैनल पे भी अवेलेबल ऐसे पेशेंट के कई टेस्टिमोनियल्स और वीडियोस, और आपके जो ट्रेंड सर्किल होगा उसमें भी आप ढूंढिए ऐसे लोग जिनकी सर्जरी हो रखी है, वो आपके एक्सपीरियंसेस जो शेयर होंगे उससे आप पहले से ही थोड़े से प्रिपेयर हो जाएंगे। तो ये बात हो गई प्री है। अब सेकेंड पार्ट आता है जो आपकी सर्जरी, जब आप सर्जरी करवाते हैं ना तो उसमें पहले आपको ये चूज करना है कि जिससे आप सर्जरी करवाने जा रहे हैं वो सर्जन कैसा है। माइंडेड कि ये बहुत बड़े हॉस्पिटल में, बहुत नामी हॉस्पिटल में जाकर के आप किसे सर्जरी करा रहे हैं बिना पता कि आपने सर्जरी करवा दी, वो नहीं करना है आपको। आपको सर्जन ढूंढना है कि कौन सा स्पोर्ट्स इंजरी सर्जन अच्छा है, उसके पास जाइए, उससे सर्जरी कराइए जो कि रेगुलर ये सर्जरी करता हो। टेक्निक जो होती है सबकी अपनी अलग अलग टेक्निक है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो टेक्निक होती है उसमें बहुत ज़्यादा आपको एज ए पेशेंट नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर कोई भी सर्जन जो कि सक्सेसफुली कई सालों से ये सर्जरीज कर रहा है, जो कि रोज 2 से 3 सर्जरीज कर रहा है कई सालों से, उसकी टेक्निक अच्छी ही है तभी उसके पास इतने पेशेंट हैं, और अपने एक्सपर्टाइज की वजह से ही वो इतना फेमस और इतना अच्छा सर्जन है इस स्पोर्ट्स इंजरी के फील्ड में। कोई अगर स्क्रू लगाता है तो वो भी अच्छा तरीका है, कोई अगर ऑल इनसाइड करता है वो भी अच्छा तरीका है, कोई अगर मेटल स्क्रूज लगाता है तो वो भी अच्छा तरीका है, कौन से टेंडन को यूज करना है ये भी काफी हद तक सर्जन का एक फिक्स आइडियाज रहता है। आमतौर पर वैसे ज्यादातर लोग आज के जमाने में हैमस्ट्रिंग टेंडन ही यूज करते हैं, तो उसी को यूज करने वाले मैक्सिमम सर्जन आपको मिलेंगे। कुछ लोगों ने प्राइमरली पेरोनियस को या फिर पटेला टेंडन को भी यूज करते हैं, तो वो भी एक अच्छा टेक्निक है। अगर आपको जल्दी रिकवरी करनी है तो पटेला टेंडन एक बहुत ही अच्छा टेंडन है, उससे भले ही आपको चीरा बहुत बड़ा लगने वाला है लेकिन आपकी रिकवरी सुपर फास्ट हो सकती है अगर आपने पटेला टेंडन से अपनी सर्जरी करवाई है तो, क्योंकि इसमें जो हीलिंग होती है ये बोन टू बोन होती है। तो अगर आप मुझसे एक ट्रिक पूछें कि अगर आपको सुपर फास्ट रिकवरी करवानी है
तो सबसे फास्ट रिकवरी के लिए पटेलर टंडन वाली सर्जरी ही फास्ट होती है अगर आप ग्राफ्ट ऑप्शन में मुझसे पूछेंगे। अब सेकंड आता है कि किस तरीके की सर्जरी हो, तो उसमें यह होगा कि जो आपकी बायोलॉजिकल एसियल रिकंस्ट्रक्शन है, जो कि आप हमने पुराने वीडियोस में भी बताया है, वही सबसे अच्छी सर्जरी होती है, क्योंकि उसमें आपकी बायोलॉजी के साथ कम से कम छेड़छाड़ किया जाता है, आपके एसियल के फाइबर्स को प्रिजर्व किया जाता है, और उसी शीट के साथ में आपका एक नया एसियल बनाया जाता है, जिससे कि पुराने एसियल के रेमिनेंट की जो सिनोवियल शीट है वो उसमें लग जाती है और रिकवरी फास्ट होती है, क्योंकि ब्लड वेसल्स भी उसमें जल्दी ग्रो करते हैं और लिगामेंटाइजेशन प्रोसेस भी स्पीड अप होता है। उसने ये भी आपको बताया है कि डबल टेंडन ना निकाल के सिंगल हैमस्ट्रिंग टेंडन केवल सेमी टेंडनोसिस लगाया जाए। ये भी ध्यान दिया जाए कि आपका जो ग्राफ्ट है वो मोटे से मोटा निकले, जिससे कि आपकी फ्यूचर एसियल की स्ट्रेंथ अच्छी हो और टूटने के चांसेस कम हो। बटन वाली सर्जरी, स्क्रू वाली सर्जरी दोनों बहुत अच्छी है। हम स्कोपी क्लिनिक में पर्सनली हमेशा बटन वाली सर्जरी ही करते हैं, क्योंकि उसमें सिंगल टेंडन निकाल के हमारा काम हमेशा हो जाता है। किसी भी तरीके का आर्टिफिशियल उसमें इम्प्लांट डालना, जैसे कि फाइबर टेमेटिनम ब्रेस, हम लोग यूजली डिस्करेज करते हैं। हमारे बहुत से फ्रेंड्स हैं जो कि इसको एनकरेज भी कर रहे हैं, दे आर गेटिंग गुड रिजल्ट्स विद इट, बट जो बायोलॉजिकली हम लोगों ने जो भी स्टडी किया और जो भी इंटरनेशनल लिटरेचर बोलता है वो इसको डिस्करेज करने के लिए बोलता है, क्योंकि इससे लिगामेंटाइजेशन प्रोसेस जो होता है वो हैम्पर होता है और नी के अंदर एक आर्टिफिशियल चीज आपके हमेशा लाइफ लॉन्ग रहती है, जो कि आगे चल के आपको प्रॉब्लम भी कर सकती है। अब आते हैं थर्ड फेज में हम, जो कि आपका रिहैब है। देखिए दोस्तों, हम अपने सारे वीडियोस में यही बोलते हैं कि अगर एक सक्सेसफुल एसियल सर्जरी आपको करवानी है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं, एक अच्छा पेशेंट और एक अच्छा डॉक्टर। तो डॉक्टर आपने अच्छा चूज कर लिया, उसने बढ़िया से सर्जरी कर दी, अब उसके बाद जो अच्छा पेशेंट वाला चीज है ना वो आपके अंदर है। प्रिहैब भी उसका एक पार्ट था, फिर एक रिहैब भी उसका पार्ट है। रिहैब मतलब क्या होता है, जो आप एक्सरसाइजेस ऑपरेशन के बाद करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको अग्रेसिव एक्सरसाइज करके फास्ट रिकवरी करनी है तो एक चीज जरूर ध्यान देना है कि आपका केवल एसियल लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन ही हुआ हो। अगर आपका मेनिस्कस रिपेयर या मल्टी लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन हुआ है तो आप एग्रेसिव रिहैब नहीं कर सकते, आपको धीरे धीरे ही प्रोसेस को करना होगा। तो आज का वीडियो जो है ना वो सिर्फ आइसोलेटेड एसियल टीयर के रिकंस्ट्रक्शन के लिए ही है। अब अगर आपका केवल एसियल का रिकंस्ट्रक्शन हुआ है तो हम लोग स्कोपी क्लिनिक में पेशेंट को बोलते हैं कि जैसे आपके बेहोशी का असर जाए, जो कि 2 से 3 घंटे में चला जाता है, आप अपने एक्सरसाइजेस उस समय ही शुरू करिए, क्योंकि जो मैक्सिमम वेस्टिंग आपके जंगे की मसल की होती है वो फर्स्ट 24 to 48 आवर्स में ही होती है। जो वेस्टिंग आपकी 48 आवर्स में हो गई उसको एक्सरसाइज करके कवर अप करने में आपको 4 से 5 महीने कई बार लग जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, चाहता है 2 दिन में, आता है 2 से 4 महीने में। मतलब क्या हुआ, आपको एक्सरसाइजेस तुरंत से ही शुरू करनी है। आपको पेन हो रहा होगा, स्ट्रांग पेन किलर लीजिए और एक्सरसाइजेस करिए। ये दिमाग में रखिए कि एक्सरसाइजेस से जो पेन हो रहा है उसकी वजह से आपका कोई लिगामेंट में डैमेज नहीं होगा। इनफैक्ट जो भी पेशेंट हमारा अच्छे से एक्सरसाइज करता है ना, वो 2 दिन के अंदर ही बोलता है कि सर, जो भी दर्द हमारा हो रहा था ना वो एक्सरसाइज करने के साथ ही कम हो गया, जो भी फटन हो रही थी एक्सरसाइज करने के साथ में कम हो गया, जो भी जकड़न थी एक्सरसाइज करने के साथ में कम हो गया। तो एक्सरसाइज करने से आपका पेन और भी कम होता है, तो तुरंत एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए। उसके बाद हम लोग ब्रेस को डिस्करेज करते हैं, क्योंकि ब्रेस लगाने से भी आपके नी की वेस्टिंग होती है और ब्रेस को लंबा लगाने से आपका नी का जो फोल्डिंग है वो भी बहुत देर से होता है, नी स्टिफ हो जाती है। अगर आपको सुपरफास्ट रिकवरी करनी है तो हम लोग बोलते हैं कि आप अच्छी स्ट्रॉन्ग सर्जरी करवाइए, ब्रेस मत लगाइए, रिहैब अच्छे से करिए, जिससे कि आपका कॉर्डिसेप्स का कोई लैग ना रहे और पैर पूरा सीधा रहे। पैर को मोड़ना भी आप सेकेंड डे से शुरू कर दिए, जिससे कि आपका पैर 15 से 20 दिन में पूरी तरीके से मुड़ जाए। अगर आपकी अच्छे से सर्जरी हुई है तो ये आप श्योर रहिए कि आपका जो लिगामेंट है वो ढीला नहीं होगा। हम लोग पिछले 10-12 साल से पेशेंट का पैर जल्दी से मोड़ दें, किसी का भी लिगामेंट ढीला नहीं होता है। पैर को मोड़िए जितनी जल्दी हो सके और अपने पूरे फ्लेक्शन को लाइए, पूरे एक्सटेंशन को लाइए, जम के एक्सरसाइजेस करिए। ये हमेशा ध्यान रखिए एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के संरक्षण में रहकर एक्सरसाइज हो, जिससे कि आपकी रिकवरी फास्ट हो। आप खुद से एक्सरसाइज अगर आप मजबूर हैं, आपके घर के आसपास कोई फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है, तभी करिए। और तब भी कोशिश करिए कम से कम एक ऑनलाइन कंसल्टेशन एक फिजियोथेरेपिस्ट से वीकली जरूर आप सेशन लें, जो कि आपको ये बताए कि आपकी रिकवरी कैसी हो रही है। धीरे धीरे रिहैब करते करते आप अपने आप को रिकवर करेंगे, फास्ट अपने एक्टिविटीज पे लौटेंगे। इस पर भी हमारा एक पूरा वीडियो बना हुआ है जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक में है, जिसमें कि हमने ये बताया है कि रिहैब कैसे करना, नॉर्मल एक्टिविटीज कैसे करनी है। इन सबको करने के वजह से जो 3 पॉइंट्स मैंने बताए, अच्छा प्रीहैब, अच्छी सर्जरी, अच्छा रिहैब, अगर ये 3 चीज आपने अच्छे से की है तो आपकी रिकवरी बहुत फास्ट होगी। फिर भी मैं 2-3 चीजें आपको बताना चाहता हूं।
जो हमसे क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि सर हमको 2 महीने बाद आर्मी का फिजिकल करना है, क्या हम किसी टेक्निक द्वारा ऑपरेशन करा के दौड़ लें और सक्सेसफुल हो जाएं? जी ये नॉट पॉसिबल है, इस सेशन में आप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपका ACL टूट गया है तो आप पैसे भी आर्मी का फिजिकल निकालने के लायक नहीं है, क्योंकि आपकी नी में इनस्टेबिलिटी है, दौड़ने या कूदने से आपको और भी डैमेज हो सकता है। ये ध्यान रखिए कि ये आपके फिजिकल फिटनेस को ही चेक करने के लिए है। अगर आपका ACL टूट गया तो आप अभी फिजिकली फिट नहीं है, तो कोई जोर जबरदस्ती करके अपनी इस दौड़ को अपनी लाइफ की आखिरी दौड़ मत बनाइए। अपने आप को ठीक करिए, मे बी नेक्स्ट टाइम आप इसको क्लियर करेंगे। सेकेंड, अगर आपको जल्दी है तो सबसे पहले आप जल्दी जल्दी सर्जरी कराइए। सोचने में 2 महीना 3 महीने का टाइम मत वेस्ट करिए कि मैं क्या करूं। बिना सर्जरी के कोई भी हाई एंड फिजिकल निकाल पाना संभव नहीं होता, अगर आपका कंप्लीट टियर हो गया है तो। अब फिजिकल निकालने के लिए मिनिमम 6 मंथ तो हम लोग हमेशा पेशेंट को बोलते हैं कि आप दीजिए किसी भी टेक्निक से ऑपरेशन, किसी भी प्रीहैब के बाद अगर आप 6 मंथ नहीं एक्सरसाइज किए, टाइम नहीं दिए अपने लिगामेंट को अपने शरीर में ठीक से जुड़ने का, और आपने हाई एंड फिजिकल एक्टिविटीज की, तो बहुत लाइकली है कि आपका बनाया हुआ लिगामेंट फिर से टूट जाएगा और आपको वो रेस तो छूट ही जाएगी, वो भर्ती तो छूट ही जाएगी, साथ में आपको एक रिवीजन ACL भी कराना पड़ेगा। और रिवीजन ACL का रिजल्ट कभी भी प्राइमरी ACL के रिजल्ट जितने अच्छे नहीं होते, कुछ तो फर्क हो ही जाता है रिवीजन में। तो ऐसा करके अपने जो ग्राफ्ट आपने बनवाया उसको तोड़िए मत, उसकी इज्जत करिए, उसको जुड़ने का वेट करिए। कोई भी ऐसी रॉकेट साइंस टेक्निक लगा के आप तुरंत नहीं दौड़ कूद सकते हैं, ठीक है? तो अगर आपका लिगामेंट टूट गया है आपकी भर्ती की प्रैक्टिस में, तो इट इज अ बैड लक, इट इज एन इंडिकेशन फ्रॉम गॉड कि ये सेशन आपको छोड़ना होगा। सर्जरी कराइए, रिकवर करिए, फिर अगली बार आप फिर से और अच्छे से दौड़ करके निकाल सकते हैं अपना पूरा फिजिकल टेस्ट। तो ये था ऑल अबाउट कि कैसे हम अपनी सुपर फास्ट रिकवरी करके वापस अपने काम पे लौटे। उसमें मैंने सारा कुछ कवर किया, ये भी बताया है कि कितना मिनिमम टाइम चाहिए, और बहुत कम टाइम होने पे आप प्लीज़ 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 टूटे हुए ACL के साथ मत दौड़े, मत फिजिकल दें, और नए बने हुए ACL के साथ भी फिजिकल ना दें जिससे कि वो दोबारा ना टूट जाए। इसके बाद अगर कोई डाउट होता है तो हमसे आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब देंगे। अपना ख्याल रखिए, अपने ACL का ख्याल रखिए।